सो यू नो इट्स अ वन ऑन वन वीडियो. जब मैं अपने रूम में आके वीडियो को शूट करूँ, ना कि वो बुक शेल्फ वाले सेटअप में. सो इस वीडियो में हम डोपामाइन, फोन एडिक्शन, रिसर्च पेपर, साइंटिफिक स्टडीज जैसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम सबको पता है कि सोशल मीडिया कितना हार्मफुल है, कितना फेक है, वगैरह वगैरह. हम बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में. सबसे पहला, मेरा एक्सपीरियंस एज एन ऑडियंस वर्सेज एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सेकेंड, वाई कांट वी बी रियल ऑन सोशल मीडिया. एंड थर्ड, कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. तो मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था 2020 में, बट इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे मैंने कंटेंट कंज्यूम करना 2013 या 14 से शुरू कर दिया था, विच मीन्स मैं इन प्लेटफॉर्म्स की कंज्यूमर ज़्यादा रही हूँ एज कम्पेयर टू क्रिएटर. तो पहले जब मैं एज अ व्यूअर इन सभी यूट्यूब वीडियोज़ को देखती थी, तो मुझे लगता था कि यार बंदे ने तो क्या बात बोल दी है, क्या जोक मार दिया है, या कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है. बट अब जब मैं खुद वो वीडियोस को क्रिएट करती हूँ ना, तो मुझे पता चल गया है कि हर चीज़ 100% सच नहीं होती है. और मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि हर वीडियो को बनाने से पहले एक टॉपिक डिसाइड किया जाता है, जो यूजुअली उस व्यूअर को अच्छे व्यूज़ ला के दे, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा ला के दे, यू नो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गया क्या, तो वो टॉपिक के बेसिस पे वीडियो बनाया जाता है, सो दैट एल्गोरिदम उस वीडियो को और पुश कर दे. फिर उस वीडियो के बेसिस पे, मतलब उस टॉपिक के बेसिस पे स्क्रिप्ट लिखी जाती है. हर स्क्रिप्ट की भी 2-3 ड्राफ्ट्स बनी जाती हैं, जो एक फाइनल ड्राफ्ट होता है उसके बेसिस पे फिर वीडियो को शूट किया जाता है. रफ आइडिया में अगर आपको दूं तो एक 10 मिनट की वीडियो को मुझे शूट करने में 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रीटेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फंबल्स होते हैं, कुछ गलत शब्द कह दिया या कुछ यू नो वर्ड इतना प्रॉपरली नहीं बोला गया तो उसको रीटेक करो, या इतनी एनर्जी से नहीं बोला गया तो उसको वापस से बोलो, एक्सप्रेशंस अच्छे दो. तो सारी एनर्जी, सारी स्माइल जो है ना, वो उस एक टेक को परफेक्ट करने के लिए लग जाती है. फिर शूट होने के बाद एडिटिंग के भी 2-3 राउंड्स होते हैं, कि यार ये फर्स्ट ड्राफ्ट पसंद नहीं आया एडिटिंग का, और एक बार उसको एडिट किया जाएगा, ये चेंजेस इसमें किए जाएंगे, कि भाई बड़ा सा डल सा वीडियो है ये, इसमें थोड़ा और ट्रांजिशंस और मिर्च मसाला डाल के उसको सुंदर सा बना दो. और एडिटिंग होने के बाद जब वीडियो अपलोड हो जाता है, तो उसके बाद उसके डेटा चेक किया जाता है कि हाँ भाई कौन सा पार्ट ऑडियंस को ज़्यादा अच्छा लगा, हमने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, उन चीज़ों को रिव्यू किया जाता है, और ताकि कि नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको और अच्छा एडिट ला के दे सके, और अच्छा मिर्च मसाला ला के दे सके. इनफैक्ट थंबनेल भी जो बनाते हैं ना, उसको भी बनाने के लिए इतने सारे वेरिएशंस होते हैं, इतने सारे पिक्चर्स क्लिक करने के बाद एक थंबनेल डिसाइड होता है कि हाँ भाई ये वाला परफेक्ट है, ये मैच कर रहा है. अभी लेट्स से कि कोई प्रोडक्टिविटी का वीडियो है जो कि आपने देखा, और वो मैंने एकदम मतलब आपको पैकेज करके दिया हुआ है, एक पूरा हफ्ता लगाया उस वीडियो को बनाने के लिए, और सिर्फ वो 10 मिनट स्पेंड करके मेरे वाले वीडियो पे आपको देख के लग रहा होगा कि यार ये बंदी की तो लाइफ कितनी सॉर्टेड है, कितनी प्रोडक्टिव इंसान है ये, हमेशा खुश रहती है, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है इसमें, ये वो. बट वो पूरा सच नहीं होता है. अब देखो यार, हम क्रिएटर्स आपसे झूठ नहीं कहते, पर आपको पूरा सच भी नहीं दिखाते, और हम दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं अपनी पूरे लाइफ में, मतलब अगर 24 घंटे हैं मेरे पास, तो उसका सिर्फ 10 मिनट ही आपको दिखा सकती हूँ, और वो 10 मिनट में भी मुझे कुछ अच्छी ही चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि यूजुअली लोग सोशल मीडिया को अपने रिफ्रेशमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कि वो अपनी ज़िंदगी से थक हार चुके हैं तो आके सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कुछ नया, कुछ फ्रेश, अच्छा देखने के लिए. तो उस 10 मिनट में भी अगर मैं आके बस रोती जा रही हूँ आपके सामने, तो आप वो नहीं देखना पसंद करोगे. मेरे को कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सेटअप, बैकग्राउंड, या मेरे कपड़े, या मेरे लुक, या मेरी बातें, कुछ ना कुछ तो एक अच्छा सुंदर सा टेक अवे आपको देना ही पड़ेगा मुझे. एंड सैडली मीडिया इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है, और अब तो मैं उसका पार्ट बन चुकी हूँ. बट पहले जब मैं व्यूअर थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो भी मुझे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, मैं उसे सच मान लेती थी. अगर कोई प्रोडक्टिविटी का वीडियो है, तो मैं सच में मुझे यही लगता था कि वो क्रिएटर वाकई बहुत प्रोडक्टिव इंसान है या क्या. मेरे ग्लैमर प्रोजेक्ट्स को भी देख के, इनफैक्ट आपको ऐसा लगता होगा कि मैं रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, मेरे पास एकदम प्रॉपर रूटीन है, 9 से 12 बजे, 12 से 3, 3 से 6, जो भी मैंने उसमें रूटीन बताया था. बट मैंने नहीं फॉलो किया उस रूटीन को, सिर्फ कुछ समय तक के लिए फॉलो किया था. अब ये जो नहीं फॉलो करने वाली बात है, ये तो आपको पता ही नहीं है. मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जब अप्स चल रहे होते हैं ना, सिर्फ तभी मैं अपने वीडियोज़ को बनाती हूँ, ताकि कि मेरा जो यू नो स्माइल है चेहरे पर, वो नेचुरली खिल के आए, एकदम अच्छे से अंदर से आए. तो आपको मैं सिर्फ अपना बेस्ट पार्ट ही दिखाती हूँ, और उसको देख के आपके अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाता होगा कि यार ये इसकी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है या क्या. पर एक्चुअल में मेरी लाइफ भी वैसी है जैसी आपकी है. और अब जबकि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ ही, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है ना, वो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ अ गुड PR या SEO या जो भी है.
कोई भी चीज़ ऑर्गेनिकली आपको इतने बार नहीं दिख सकती। ये मेरे पहले के कुछ वीडियोज़ है जिनमें जो भी चीज़ें मुझे उस समय पर सही लगती थी विद रिगार्ड्स टू लाइटिंग, अटायर, आउटफिट, मेकअप या जो भी चीज़ें, मैं वैसे ही सज धज के बैठ के कैमरा के आगे वीडियो बनाती थी। मतलब जेन्युइनली मैं चाहती थी कि मैं बस अपने कंटेंट के थ्रू लोगों की मदद कर सकूं। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा डीपली घुस चुकी हूँ कंटेंट में, क्योंकि अब ये मेरा फुल टाइम, अब ये जॉब हो चुकी है मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा डेटा देखती हूँ, SEO देखती हूँ, एनालिटिक्स देख लो, डिस्क्रिप्शंस, हैशटैग्स वगैरह। मुझे लगता है कि जो इनिशियली मेरी जो मासूमियत थी ना, वो कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है अभी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हियर कम्स माय सेकंड पॉइंट दैट व्हाई वी कांट बी रियल ऑन सोशल मीडिया। मुझे बताओ कि आप पिक्चर्स या वीडियोस कब क्लिक करते हो, जब आप किसी पार्टी में हो, या जब आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया हो, या कोई यू नो आपके सेलिब्रेशंस हो। मोस्टली लोग अच्छे मोमेंट्स पे ही पिक्चर्स या वीडियोस को क्लिक करना चाहते हैं, कोई भी बैड मेमोरीज को याद नहीं रखना चाहता। कोई भी कपल हमेशा अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए या एकदम हैप्पी मोमेंट्स की पिक्चर्स अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे, कोई भी लड़ाई झगड़े वाली पिक्चर को नहीं क्लिक करता, अनलेस एंड अंटिल तुम लोग श्रद्धा कपूर हो। हमारी पहली फाइट की पहली सेल्फी मैं अपलोड कर रही हूँ। रियल लाइफ में ना हम सभी के कोई ना कोई इविल साइड्स होती हैं, इविल फेसेस होते हैं लोगों के, जो हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहते, वरना कोई हमें पसंद ही नहीं करेगा। इनफैक्ट एक टाइम के बाद तो मुझे भी ऐसे लगने लग गया था कि मैं एक ऐसा दृष्टि शर्मा को सर्व कर रही हूँ जो लोगों को पसंद है, और क्या पता रियल लाइफ में मैं ऐसी हूँ ही नहीं। तो ये हर क्रिएटर या हर एक्टर को एक टाइम के बाद, जो भी कैमरा के आगे बार 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 कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है ना, उसे बस यही लग रहा है कि मैं एक कैरेक्टर जी रहा हूँ जो सिर्फ कैमरा के आगे है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कैमरा के आगे आपको जो भी इंसान दिखता है वो सब फेक है या वो बुरे हैं या क्या। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि वो आपको अपनी लाइफ का सिर्फ उतना पार्ट दिखाते हैं जितना आप देखना चाहोगे। एंड सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब कोई बात या कोई एक चीज़, कोई एक जोक मैं जो अपने चार दोस्तों के बीच में क्रैक कर सकती हूँ, मैं उसे सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती। पहले जब मैंने शुरू किया था ना कंटेंट क्रिएशन, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या बोल रही हूँ या क्या। वैसे भी मैं बुरा तो कुछ बोलती ही नहीं कभी भी, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि अरे भाई कहीं ये वाली लाइन किसी को ऑफेंड ना कर दे, कहीं किसी को कुछ बुरा ना लग जाए या जो भी है। मतलब बहुत ही सोच समझ के मुझे अभी बोलना पड़ता है, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए अब देखने वाले। इसके बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी सोशल डिलेमा करके डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की, उसमें बताया भी गया हुआ है। तुम कभी भी सोशल मीडिया पे रियल रह ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट उसमें फेकनेस होगी होगी। अगर तुम कोई एक परफेक्ट पिक्चर अपलोड कर रहे हो तो उसके पीछे ज़रूर तुमने गैलरी में 20-25 पिक्चर्स क्लिक की होंगी, तो जाके एक परफेक्ट पिक्चर उसको भी लाइट रूम में या कहाँ कहाँ जाके एडिट करके फिर अपलोड किया होगा, जो कि यूजुअली हर एक इंसान करता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है, थर्ड पॉइंट की बात हो रही है कि इसका क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है, कि एज अ व्यूअर हमें बस पता रहे कि हाँ भाई शायद जो भी चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं वो पैकेज्ड हैं। हो सकता है उस बंदे या बंदी की लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हों, तो अप्स के मोमेंट में उसने प्रोडक्टिविटी पे वीडियो बना दिया, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके अपना काम कर लूँगा और बाकी मैं अटैच नहीं रहूँगा और ख़ुद को कंपेयर करने नहीं लग जाऊँगा। वो नेगेटिव फीलिंग्स जो होती है ना, अगर तो वो आ गया आपके अंदर तो फिर सोशल मीडिया ऐप पर भारी पड़ रहा है। अगर तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले के यू नो अपने मज़े के लिए एक ओपन माइंड से चीज़ों को देख रहे हो और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, भले ही वो यूट्यूब की कॉन्ट्रोवर्सीज भी क्यों ना हो, ज़्यादा खुद को यू नो घुसा नहीं रहे चीज़ों में, तो सोशल मीडिया आपके लिए सही है, एकदम अच्छे से काम कर रहा है। आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो तभी सोशल मीडिया आपको यूज़ नहीं कर रहा। बट अगर तो आप में यू नो किसी और क्रिएटर को देख के जेलिसी आ रही है, एंजाइटी आ रही है, कंपेरिजन वाली फीलिंग आ रही है, तो सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा है, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक इट। मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये वीडियो को क्रिएट करने में, आई होप तुम लोगों को भी मज़ा आया हो। कॉमेंट में मुझे बताओ अगर तुम्हें पसंद आया, देन मैं ऐसे वीडियोज़ और लेकर आऊँगी तुम्हारे लिए। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, मैं मिलूँगी आपसे अगले संडे 7 PM। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय।